कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर के जीरा थाना क्षेत्र के पीएचई कॉलोनी स्थित राजीव गांधी आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैट में 28 फरवरी की रात मिली महिला की लाश से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने उसके लिव इन रिलेशन में रह रहे पार्टनर शेरू थापा को गिरफ्तार कर लिया है। शेरू थापा बुधवार की रात शहर से भागने की कोशिश में बस स्टैंड पहुंचा था, वहां बस में भी बैठ ही गया था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर उसे बस से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। शेरू थापा और मृतिका सीता थापा बौड़ापुर इलाके में एक ही मोहल्ले के रहने वाले बताए गए हैं। शेरू थापा शादीशुदा है और उसकी पत्नी इंदौर में रहती है। वहीं सीता थापा भी अपने पति से अलग होकर शेरू थापा के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानते थे। शेरू थापा इंदौर जाकर अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था, इसी को लेकर दोनों के बीच तनाव की स्थिति थी। उधर शेरू को सीता के चरित्र पर भी शक था, उसे आशंका थी कि उसकी गैर मौजूदगी में सीता के पास कोई और लोग भी मिलने आते हैं। इन्हीं बातों को लेकर 27 फरवरी और 28 फरवरी की दरमियानी रात दोनों के बीच विवाद हुआ था। शेरू थापा ने किचन में पड़े चाकू को उठाकर सीता के ऊपर कई वार किए और उसे लघु लुहान छोड़कर भाग गया। पड़ोसियों द्वारा सीता के फ्लैट से दो दिन बाद बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई, तब हत्याकांड की जानकारी लोगों को लगी। ये 27-28 की रात्रि में एक महिला की लाश मिली थी, उसका सीता थापा नाम पता चला था। उसके पति पर संदेह था। शेरू थापा जो उसका साथ में लिविन में रह रहा था, कल उसको अरेस्ट कर लिया है। सर किस तरह से उसने तय की थी, क्या बताया किस तरह से? पूछताछ में सामने आया है कि वो अपनी पत्नी पर चरित्र को लेकर शंका करता था और उसकी पूर्व से एक्चुअल पत्नी है जो इंदौर में रहती है, अब वो उसके साथ में सेटल होना चाहता था, इसको छोड़ना चाहता था, तो वो उसको छोड़ने नहीं दे रहे थे। इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता था, तो इसी बात को झगड़े को लेकर आवेश में आकर उसने हत्या कर दी। किस चीज़ से की थी सर? ये चाकू से हत्या की।